देखिए भाई, बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने के इरादे पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि वो सरकार बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बीजेपी या कांग्रेस, दोनों के पास में पूर्ण बहुमत नहीं है, ऐसे में दोनों ही दल सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कल राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम देखेंगे, तलाशेंगे कि सरकार कैसे बन सकती है। देखिए, पहली बात, एक बात समझना होगा कि नरेंद्र मोदी जी गठबंधन के मामले में जांचे परखे खड़े रहे हैं। अगर आपको 2014 याद होगा तो 283-284 सीट बीजेपी को अकेले मिली थी, उसके बावजूद भी मोदी जी ने सहयोगियों को ले करके सरकार बनाई और चलाई। उसी तरह से 2019 में भी बीजेपी को अकेले 303-304 सीटें मिली, लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन के साथियों को ले करके साथ सरकार चलाई। अगर कांग्रेस के पास कहीं गलती से इतनी सीट होती तो अपने साथियों को चिमटे से भी नहीं छूती। अब आज की तारीख में जो है वो गठबंधन की सरकार कोई मोदी जी पहली बार नहीं बनाने जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि पहली ये सरकार होगी आज़ादी के बाद से जो बिना कांग्रेस के रिमोट, बिना कांग्रेस के सपोर्ट के अपना तीसरा सुशासन का सफर आगे बढ़ा रही है। और इस मामले में जो है वो जो लोग अभी अलग अलग तरह के सपने देख रहे हैं, तो इन सपनों में तो यही है कि इसमें मुंगेरी अनेक और सपने एक। और देखिए, उधर जीतन राम मांझी ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंडेट दिया है। साथ ही LJP से सांसद चुनी गई शांभवी चौधरी ने कहा कि ये PM मोदी के भरोसे की जीत है। ये कहना गलत है, अगर सीट नहीं मिली है तो 292 सीट आया कैसे? 272 सीट में बहुमत है और 292 सीट आया है तो ममता बनर्जी जी के चलते आया है। कहने का मतलब है कि वो लोग अपने गिरिमाह में झांकें, कि जो आपस में लड़ रहे हैं कि नेता कौन होगा, बराती का दूल्हा कौन होगा, इसके लिए वो पहले सोच लें। नरेंद्र मोदी जी और NDA के बारे में न सोचें तो अच्छा होगा। आज हम कह सकते हैं समस्तीपुर ने हमें अपनी बेटी मान लिया है, समस्तीपुर ने हमें एक बेटी समझा कर जिताया है, क्योंकि हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। बिहार में सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से समस्तीपुर का सीट निकला है, तो हम ये मानते हैं कि ये उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, उनका भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री पे, हमारे मुख्यमंत्री पे, और ये सभी कार्यकर्ताओं का मेहनत है। और जहाँ तक रही बात हमारे पार्टी की, तो बिहार का इकलौता पार्टी है जिसका 100% स्ट्राइक रेट रहा है। ये लोगों का विश्वास है चिराग भैया पे, चिराग भैया के नेतृत्व पे, और हम ये मानते हैं कि उनके नेतृत्व में काम करके समस्तीपुर बहुत आगे। और बिहार से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए जब रवाना हुए तो वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई थी। फिलहाल दिल्ली में उनकी मौजूदगी है, लेकिन इस बीच जानकारी आप तक पहुंचा दें कि दिल्ली में रवाना होने से पहले चिराग पासवान ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की, और इस बातचीत में चिराग पासवान ने दावा किया कि NDA के घटक दल एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान। चिराग जी, अभी आप मिलकर निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, क्या बातें हुई, क्या NDA इंटैक्ट है? पूरी तरीके से इंटैक्ट है मुख्यमंत्री जी, NDA का एक अभिन्न अंग है, और जिस तरीके से साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, अब साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल तक मजबूती से सरकार चलेगी। जैसे ही रिजल्ट आना शुरू हुआ और उसके बाद बीजेपी की संख्या कम थी, NDA की संख्या कम थी, उस समय साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार से संपर्क करेंगे, उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करेंगे। महत्वाकांक्षाएं जरूर हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को ये लोग सिद्ध करने के लिए जनादेश की भी तिलांजलि ये लोग लगाने से ये लोग गुरेज नहीं रखते हैं। ऐसे में NDA का हर एक घटक दल, हर एक दल समर्पित है जनादेश के प्रति, NDA गठबंधन के प्रति। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चिराग पासवान? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हम लोग के उत्साह की बात है। आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 100% रहा है, इसके लिए किसको श्रेय देते हैं? इसके लिए मैं अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को और बिहार की जनता को। तो ये थे चिराग पासवान जो दिल्ली निकल रहे हैं, और उससे पहले इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि NDA इंटैक्ट है, और आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए चिराग पासवान अपने सांसदों के साथ दिल्ली जा रहे हैं। और UP से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में BJP के खराब प्रदर्शन का ठीकरा जाति पर फोड़ा है। सुरेश खन्ना ने कहा कि विकास पर जातीय मुद्दा भारी पड़ गया। क्या देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सर 30 सीटों का लगभग नुकसान हुआ है जो पिछली बार की अपेक्षा, क्या वजह मानते हैं सर? वैसे तो
अलग अलग जगह अलग अलग कारण हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमको जिसने नुकसान पहुंचाया, पहले से ही लोगों को ये लगने लगा था कि हम तो जीत गए। इस आत्मविश्वास ने हमको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि हमारा लीडरशिप के ऊपर भरपूर विश्वास है और उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने भी आवश्यकता से अधिक, उम्मीद से अधिक मेहनत की। सर, विपक्षी पार्टियों को अगर देखा जाए, खासकर समाजवादी पार्टी, अभी निकाय चुनाव में कुछ दिन पहले आपसे बुरी तरीके से हार हुई थी, आप लोग बड़े अंतर से चुनाव निकाय चुनाव का जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की इतनी ज्यादा सीटें, क्या लग रहा है आपको कि आखिर वो कौन सा मुद्दा, क्या संविधान की जो बदलने की अफवाह थी वो नीचे तक पहुंच गई? इस चुनाव में जातिवाद का प्रभाव भी बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया, और जो 2019 में इतना प्रभाव नहीं देखा गया था, लेकिन इस बार उसका भी प्रभाव बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। और देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री और राज्य के का गृह मंत्रालय संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी नेतृत्व से मांग की कि उन्हें उनके पद से मुक्त किया जाए ताकि वो पार्टी के लिए काम कर सके। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में 23 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार महज सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि 13 सीटें अपने नाम करके कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में आज देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पार्टी की बैठक बुलाई और हार की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली। न सिर्फ हार की जिम्मेदारी ली बल्कि नैतिकता के आधार पर अपने इस्तीफे की पेशकश भी यहां पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई है। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं, कहां कमियां रही है। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, उद्धव गुट के संजय राउत दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद संजय राउत ने कहा कि मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, अगर सरकार बनी तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार और नायडू सबके हैं, बहुत बड़ी बात संजय राउत की तरफ से देखिए की गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, होने वाली है, उसमें हिस्सा लेने के लिए संजय राउत पहुंचे और इस दौरान जब बातचीत की तो सरकार बनी तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये भी कहा उन्होंने। मैं इतना ही मानता हूं, मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, अब यहां वहां से जमा करके वो बहुमत जुटाना चाहते हैं, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। इस प्रकार की सरकार चलाना ये मोदी जी का काम नहीं है। मोदी तो अपने रुबाब में रहते थे ना, मैं मोदी, मोदी की सरकार, हाँ मोदी की गारंटी, सब कुछ मोदी, अब ये पैसा के लेकर चलना पड़ेगा, ये नहीं होगा। अगर सरकार बनाने की कोशिश ये लोगों ने की तो ये सरकार टिकने वाली है। सभी के दोस्त हैं, और मुझे नहीं लगता है कि चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार जैसे लोग देश के लोकतंत्र को और संविधान को, जिन लोगों से खतरा है, उनके साथ जाएंगे।